बस मैं आज छोला कढ़ाई बना रही हूँ, आप लोग को इसकी चीज़ें बता देती हूँ कि उसमें क्या क्या पड़ेगा। सबसे पहले 1 kg चिकन है मेरे पास, 1 teaspoon नमक है, 1 teaspoon रेड चिल्ली पाउडर है, और हाफ टी स्पून तलहा मिर्च है, हाफ टी स्पून गरम मसाला है, 1 tablespoon भुना कूटा जीरा और धनिया है, 1 teaspoon कुटी हुई लाल मिर्च है, हाफ टी स्पून हल्दी है, 1/4 teaspoon टाटरी है, 1 tablespoon अदरक लहसुन का पेस्ट है, काली मिर्च है 1/2 teaspoon, दही है 2 tablespoon फिटा हुआ, कसूरी मेथी है 1 teaspoon, स्मोक के लिए कोयला है। अब उसमें हरे मसाले में क्या क्या चीज़ें जाएंगी उनको नोट कर लें। टमाटर हैं, हरी मिर्चें हैं बड़ी वाली, लेमन जूस जाएगा 1 लेमन का, अदरक जाएगी गार्निश के लिए, थोड़ी अंदर भी जाएगी, और हरा धनिया जाएगा ऊपर से। अब मैं कढ़ाई गरम तो हो गई, अब मैं उसमें 1 कप तेल डाल रही हूँ, थोड़ा सा गरम हो जाएगा तो फिर मैं उसमें चिकन डाल के थोड़ा फ्राई करूँगी। अब मैं चिकन डाल रही हूँ, उसको फ्राई करूँगी ऑयल में। तब तक फ्राई होगी जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। मैं अदरक लहसुन डाल के थोड़ा सा और चिकन को फ्राई करूँगी। अब इसमें मैं टमाटर डाल रही हूँ, मैं इसकी मिसाल भी डालती हूँ, आप लोग चाहें तो इसमें समेत भी डाल सकते हैं। और ये थोड़ा सा इसको गलाना है टमाटरों को, इसको थोड़ी देर के लिए ढक रही हूँ ताकि टमाटर जो हैं गल जाएं, गर्म कर जाएं। अब मैं ये मसाले सब तमाम जितने भी हैं मैंने निकाले थे वो समय इसमें डाल दिए हैं। तमाम मसाले मैंने इसमें डाल दिए, बस 2-3 चीज़ें मैंने रोकी हैं जो आखिर में डलेंगी, जब उसमें हरा मसाला पड़ेगा उसके साथ डाल के दम पे रखूँगी मैं इसको। अब मैं इसमें दही डाल रही हूँ, बाद अब मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसको 5 से 10 मिनट पकाऊंगी ताकि चिकन थोड़ा गल जाए, फिर उसके बाद बाकी जो चीज़ें रह गई हैं वो लास्ट में मैं डाल के दम पे रखूंगी। अब आज थोड़ी सी हल्की करके लिए मैं ढक के रख रही हूँ ताकि चिकन गल जाए। मिर्चें डाल दी हैं और अब इसके अंदर कूटा भुना जीरा और धनिया डाल रही हूँ, काली मिर्च डाल रही हूँ, लेमन जूस डाल रही हूँ, कसूरी मेथी डाल के छोड़
व्यूअर्स, अब ये तकरीबन तैयार हो चुकी है। अब मैं इसमें कोयले की धुनी दे के और डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। कोयला कढ़ाई तैयार हो गई है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।